कोनो संजय चले बोलिए जाके जनकारी ना सो रहा है अरे आखे सारी भले में चल हे पर आकाश तू बोला हो जय हो राजा हो के राजा अच्छा बड़ी हजम चला देव जय बाबा वैद्यनाथ। देख पा रहे दोस्तों सुइया पहाड़ का ये नज़ारा आप सभी को किस प्रकार दिख रहा है। यहाँ से आगे इधर बात करें तो शिवलोक है सुइया का इस क्षेत्र में, लेकिन मेन रोड कांवरिया पर एक साथ है। अभी जो चलते हैं हम इधर से चलकर दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए नंदी देव को इस बार यहाँ पर लाया गया है और रात्रि का नज़ारा दिखाते हैं किस प्रकार रात में चमकता है पूरा सुइया पहाड़ का। और आज जो है सुइया पहाड़ का रात्रि वाला नज़ारा दिखा रहे हैं। जब से यहाँ पर दोस्तों बारिश शुरू हुई है ना, जब से यहाँ पर सावन वाला बारिश, तब से देख रहे हैं कांवरिया भक्तों का हुजूम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रात्रि में भी जबरदस्त माहौल यहाँ पर भी दिख रहा है। ये रात्रि वाला नज़ारा आप सभी तक पहुँच रहा है, देख रहे हैं कैसा नज़ारा आप सभी तक है। पूरा जो है बोलबम का नारा गूंजता हुआ, चलते हैं थोड़ा सा आप सभी को दिखाते हुए कांवरिया पथ का। और वैसे देख रहे हैं किस प्रकार साउंड बॉक्स भी यहाँ पर प्ले है ना, तो म्यूजिक जो चलता है उसमें भी बोलबम का नारा गूंज रहा है, वैसा बोलबम का गाने भी बजते हैं, जिससे ये होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कांवरिया पथ का मोटिवेशन मिलता है। और चलते हैं आगे चलकर दिखाते हैं प्रोग्राम हो रहा है या गाने बज रहे हैं वो आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं, थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। देख रहे हैं कैसा माहौल है पूरा सुइया पहाड़ का, बिल्कुल देख रहे हैं लगातार बारिश होता है तो बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो जाता है कांवरिया पथ पर। और यहाँ पर देख रहे हैं ये तो सिर्फ म्यूजिक प्ले हो रहा है, और आगे देख रहे हैं थोड़ा सा दिखाते हैं पूरा रेन शेल्टर, आगे चलकर दोनों रेन शेल्टर देख रहे हैं किस प्रकार रात्रि में चमक रहा है भाई। यहाँ पर पूरा जो है रात्रि वाला नज़ारा आप सभी तक पहुँच रहा है। इधर देख रहे हैं थोड़ा सा नज़ारा आप सभी तक और पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जैसे ही देख रहे हैं यहाँ पर जो भी माहौल है और रात्रि में देख रहे हैं कैसा देखने को मिलता है। पूरा जो है ना आप देख रहे हैं बारिश इतना हुआ है, ये देखिए पूरा जो है किस तरह बारिश का पानी पूरा खेतों में हो चुका है और पूरा जो अंधेरा छा गया है। पूरा देख रहे हैं इतनी भीड़ भाई, ये देखिए बहुत ही जोरों से गूंज रहा है बोलबम का नारा, इसी जगह का दिखा रहे हैं पूरा जो है रेल शेल्टर के सामने वाला सारा कुछ आप सभी तक जानकारी मिल रहा है। और इसी रूट से चलते हुए जा रहे हैं और दिखाते जाते हैं आगे, लग रहा है और भी ज़्यादा म्यूजिक प्ले हो रहा है, देखते हैं जहाँ तक होता है वहाँ तक आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं। अंधेरा देख रहे हैं छा रहा है और आगे जो है ना लगता है डाक बम सूर्यगढ़ा डाक बम सेवा समिति, फिर उससे आगे लगता है कोसी का एक शिविर यहीं पर लगा है फारबिसगंज वाला। और आगे जो है ना पूरा नज़ारा दिख रहा है ये दोनों तरफ ये रेन शेल्टर है ये सुइया का, और जो कि आप सभी को कई बार दिखाए भी हैं। वैसे देख रहे हैं रात्रि का जो नज़ारा होता है ना अंधेरा वाला, वो सारा कुछ आप सभी तक ऐसे ही पहुंचाते रहते हैं। और आप लोग कहते थे ना रात वाला भी दिखाइएगा एक बार सुइया में, तो वैसे ही ये सुइया पहाड़ यहीं से शुरू हो जाता है और सुइया का ही क्षेत्र आप सभी तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आगे चलकर दिखाते हैं आगे क्या क्या हो रहा है, कितना भीड़ है, शिविर कैसा है, पूरा जो है कांवरिया पथ रुके हैं कि नहीं। अभी तो नहीं रुके होंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, शाम वाला है रात्रि वाला है, अभी तो बहुत दूर तक यात्रा में निकल जाएंगे और कुछ दूर और चलेंगे तभी तो आगे जाकर रात्रि विश्राम करेंगे। और रेन शेल्टर का माहौल आप सभी तक दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैसा है, चमक रहा है ना रेन शेल्टर। और यहाँ पर देखिए ये सभी जो है ना आप सभी देख रहे हैं कांवरिया भक्तों का भीड़, बिल्कुल जो है सुइया का ये क्षेत्र है, सुइया का ये नज़ारा बिल्कुल जो है भीड़ वाला आप सभी तक पहुंच रहा है। आगे देखते हैं शिविर में कोई सेवा चल रहा है कि नहीं, पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं आप सभी भक्तों को। और देख रहे हैं चलते जा रहे हैं, इधर तो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रहा है भाई, बारिश होता है तो कीचड़ होगा ही, ये तो आप सभी भक्तों को भी पता है। वैसे देख रहे हैं हर जगह पर जो है ना बिल्कुल सूचना केंद्र यहाँ पर भी है सुइया के रेन शेल्टर के, दोनों रेन शेल्टर के बीचों बीच में है। और यहाँ देखिए तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये सूर्यगढ़ा डाक बम सेवा समिति ये है ना, पूरा देख रहे हैं कैसा है पूरा अंदर का नज़ारा, बहुत सारे कांवरिया भक्त यहाँ पर रुके भी हैं सेवा के नाम पे। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेवा दिया जाता है, वो सारा कुछ देख रहे हैं पूरा नज़ारा आप सभी तक पहुँच रहा है। आगे देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार झूम रहे हैं और कांवरिया भक्तों का मनोरंजन कराते हैं जो कि देखने को मिलता है। फिलहाल तो यहाँ पर म्यूजिक नहीं दिख रहा है, बस आप सभी को जानकारी और अपडेट दिया जा रहा है कि कहाँ पर प्रोग्राम होता है। ये सुइया का है और ये कोसी कांवरिया सेवा समिति जो है अररिया से चलकर आया, इस बार सुइया में लगा हुआ है। देख रहे हैं कांवरिया भक्तों का यहाँ पर किस प्रकार मनोरंजन हो रहा है और लगातार देख रहे हैं यहाँ से चलते हैं आगे।
आप सभी को दिखाते हैं यहाँ से आगे और क्या क्या हो रहा है, कितना ज्यादा भीड़ है और किस प्रकार रात्रि में मनमोहक चमकने लगता है पूरा सुइया पहाड़। बिल्कुल सुइया का ये क्षेत्र है, लगातार जो है बने रहे और आगे दिखाते हैं जो भी होता है सारा कुछ आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास रहता है, जो कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है शिविर यहाँ पर एक ही जगह दो तीन शिविर लगातार देखने को मिलता है। एक और शिविर आगे लगता है जो कि सिवान का शिविर है, तो चलिए देखते हैं उस शिविर में किस प्रकार प्रोग्राम हो रहा है उसको भी दिखाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर भी पहुँचेंगे। बस यहाँ पर जो सामने दिख रहा है ये सिवान का ही शिविर है, आगे देख रहे हैं कांवरिया भक्तों की भी भीड़ है। और आप सभी का जो डिमांड हो रहा था ना कि जो है रात्रि में कैसा माहौल रहता है, रात का वीडियो दिखाइए, तो रात्रि वाला भी सेवा आप सभी तक पहुंच रहा है और सुइया का जो नज़ारा है वो तो हम दिखा ही रहे हैं कैसा यहाँ पर है। बाकी आप सभी की भक्तों का जो डिमांड होता है वो पूरा किया जाता है आपके अपने चैनल पे, देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर भी भीड़ दिख रहा है। सामने पहुँच चुके हैं सिवान शिविर में, देख रहे हैं लग रहा है प्रोग्राम चल रहा है, आगे चलते हैं वो भी दिखाते हैं कैसा जो है यहाँ का नज़ारा है और कितना ज़्यादा कांवरिया भक्त देख रहे हैं सिवान वाले शिविर में है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी जो है प्रोग्राम हो रहा है, तो थोड़ा सा दिखाते हैं आगे कि प्रोग्राम यहाँ पर किस प्रकार चल रहा है, तो लगातार जो है और भी बने रहिए वीडियो में और जितना भी होता है आप सभी तक लगातार अपडेट पहुँचता ही रहता है और पहुँचता भी रहेगा। देख रहे कितना भीड़ है यहाँ पर।